नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके क्रिसमस वेकेशन भी बहुत अच्छे से गए और नए साल की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही। ठंड बहुत पड़ रही है, मैं जानती हूँ मुंबई में तक ठंड हो गई है। मैंने काफी समय से यूट्यूब इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं भी छुट्टियों का आनंद ले रही थी। फिर 6 तारीख को मेरा जन्मदिन भी था और पता है कितने की हो गई, मैं 55 साल की हो गई। तो अब बचपन में लौटने का सही समय है। तो ठंड के कारण जो प्रॉब्लम होती है बालों में, या आपके मतलब स्काल्प ड्राई होता होगा, ईची होता होगा, ऑयल के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन आज मैं एक ऐसा स्किन टोनर लेके आऊंगी और ऐसा हेयर टॉनिक लेकर आऊंगी जिसको हेयर टॉनिक को आप हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और स्किन में स्काल्प में लगा के हल्का सा करके मालिश उसको ड्राई कर सकते हैं, धूप में ड्राई कर सकते हैं अगर बहुत ठंड है आपके यहाँ, या फैन में ड्राई कर सकते हैं, या थोड़ा सा ड्रायर को ठंडा करके भी आप उसको ड्राई कर सकते हैं। बाल धोने की कोई आवश्यकता नहीं। यकीन मानिए 7 दिन तक यानी 4 बार ये टोनर अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल रूखे सूखे नहीं रहेंगे, हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा और बाल एकदम शाइन करेंगे और स्कैल्प में कोई इचिंग स्क्रैचिंग नहीं होगा और स्किन आपकी ऐसी दिखाई देगी। देखिए, मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है। जो नाइट क्रीम विंटर के लिए मैंने बनाया है, ये होम मेड क्रीम से, ये देखिए त्वचा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं, लगाने के साथ यानी टॉपिकल के साथ खाना भी जरूरी है। तो आई होप कि आप सब आंवला कड़ी पत्ता का जूस ले रहे होंगे, थोड़ा जीरा नमक डाल के, वो आपको वेट लॉस में भी काम आएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्किन से लेके बॉडी को हील करेगा। विटामिन सी हील करता है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, फिर आपको सर्दी खांसी से भी दूर रखेगा। दूसरा मैंने उसमें क्या ऐड किया था, आपको आंवला कड़ी पत्ता हल्दी अदरक जीरा नमक का ये मैंने ड्रिंक लेने बोला था, आई होप आप ले रहे होंगे। और दूसरा हमारा ड्रिंक था एबीसी एप्पल बीटरूट और कैरेट का, आई होप आप वो भी ले रहे होंगे। एबीसी ड्रिंक को बिना छाने आपको लेना है ताकि फाइबर भी आपको मिले, क्योंकि फाइबर आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा वेट करिए, देखते जाइए, स्किप मत कीजिए वीडियो। बिल्कुल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैंने बनाया क्या। सब्र का फल मीठा होता है। तो हम लेंगे कच्चा दूध, उसमें मिलाएंगे हम एलोवेरा जेल और ये लेंगे हम विटामिन ई की 1 कैप्सूल, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ज्यादा आप क्रीम नहीं बना सकते। इसके बाद हम लेंगे ग्लिसरीन, इसको मिलाते जाइए बार बार, ग्लिसरीन डालिए, फिर से इसको मिलाइए, इसको इतने अच्छे से फेंटिए कि इस तरह का क्रीम हो जाएगा। तो ये है आपका नाइट क्रीम, इसको बहुत प्यार से लगाइए चेहरे पे, गले पे, अपर चेस्ट पे, आराम से इसको मसाज कीजिए और रात भर रहने दीजिए, इसको वॉश नहीं करना है, इसको इसी तरह से लग के रखिए। नेक्स्ट डे आप अपने ब्रश के बाद इसे वॉश कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी स्किन कितनी शाइनी, सॉफ्ट और रिंकल फ्री भी लग रही है क्योंकि हमने इसमें डाला था ग्लिसरीन। वेलकम बैक दोस्तों, तो कैसा लगा आपको स्किन क्रीम? ये सबसे बेस्ट नाइट क्रीम है, इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किए थे और रोज रात में लगा के उसको छोड़ दीजिए, उसको वॉश नहीं करना है। उसको मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब बस थोड़ा सा वॉश कर दीजिए नॉर्मल जेंटल सोप से, या ऐसे ही वॉश कर दीजिए। ये देखिए स्किन आपकी एकदम तरोताजा और अच्छी सुंदर लगेगी। तो आई होप आपको ये नाइट क्रीम प्रोडक्ट बहुत पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ग्लिसरीन जो है हाइलुरोनिक एसिड फैमिली से ही आता है, इसलिए हमने उसे ऐड किया। तो उससे क्या हुआ, वो हाइलुरोनिक एसिड वाला फायदा भी आपको इससे मिलेगा। तो आइए चलते अब देखते हैं कि हेयर टॉनिक में हमने क्या क्या डाला, कैसे बनाया अपना हेयर टॉनिक। वीडियो को एंड तक देखते चलिए। और हाँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई अच्छा सा वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन आए। कभी कभी सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हाँ ये टेक्निकल बात है, तो आपको फिर से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे।
तो आइए चलते देखते आज ये हेयर टॉनिक मैजिक वाला कैसे बना। तो अब हम लेंगे एक कप पानी, कढ़ाई में चढ़ा देंगे। पानी में हम ऐड करने वाले हिबिस्कस फ्लावर के पत्ते यानी गुड़हल फूल के पत्ते और अमरूद के पत्ते। हाँ जी, अमरूद जैसे खाने में विंटर्स में बहुत अच्छा ट्रॉपिकल सीजनल फ्रूट है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो खाने के साथ साथ अगर इन पत्तों को हम डालेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा हेयर टॉनिक बनेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ग्रीन टी का एक बैग ऐड करने वाले हैं, और ये जो एक कप पानी है ये आधा कप होने तक आपको इसको बॉइल करते जाना है। ग्रीन टी के बाद हम ऐड करेंगे हमारे फेवरेट मेथी दाना। खाने के साथ साथ लगाना भी है, आप तो जानते हैं मेथी दाना का पावर। उसको धीरे धीरे हिलाते जाइए, मेथी दाना डालिए, देखिए कितना भाप आ गई है। तो इसको आधे तक हमें करना है। एक कप पानी आपने डाला था, देखिए कैसे कलर बन रहा है, क्योंकि वो सारा पानी में जा रहा है, उसका न्यूट्रिएंट्स जितना आयरन है, पोटेशियम है, मिनरल्स है, बहुत सारे विटामिन्स है। मेथी दाना भी डाला, मेथी दाना तो आप जानते हैं कितना पावरफुल है हेयर फॉल रोकने के लिए, और स्किन भी, मतलब जो आपका स्कैल्प है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये जो विंटर में ड्राइंग होती है ना, इसमें ये काम आता है। अब ये पानी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसमें अब ठंडा होने के बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लिसरिन। ग्लिसरिन इसलिए कि वो हाइलुरोनिक फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो और हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। अब ये बन गया स्प्रे। अब इसको इस तरह से स्कैल्प में लगाइए, हर एक दिन बाद अल्टरनेट डे लगाइए और उसको धूप में सुखा दीजिए। धोना नहीं है बालों को, शैंपू नहीं करना है, और आपके जो स्कैल्प में स्क्रैच होता है विंटर में, इरिटेट होता है, वो सारी प्रॉब्लम भी हो जाएगी और हेयर फॉल भी हो जाएगा। आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे और इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपने एक हफ्ते तक लगातार ये किया चीज, तो आपका हेयर फॉल जरूर रुक जाएगा और आपके हेयर में शाइन आएगी, बाउंस आएगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, पर ईमानदारी से करते रहिए। और हाँ, ठंड बहुत है तो आप मेथी दाने का पानी भी पीजिए सुबह सुबह उठ के खाली पेट, उससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट एडिशनल टिप मैं दे रही हूँ। मेथी दाने का पानी पीना है, फिर आंवला का रस पीना है, फिर फाइबर का जूस पीना है, तो ये क्या हो गया, आपका मॉर्निंग डिटॉक्स हो गया। उसके बाद आप चाय लीजिए। हम करते क्या है कि हम पहले चाय मतलब एसिडिक कर देते हैं सिस्टम को, और फिर सारा मामला गड़बड़, क्योंकि गरम गरम के चक्कर में। पहले ये सारा लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ, जो मेरा एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो है मीठी तुलसी यानी सब्जा के सीड्स पे। तो हम जब रात भर खाने के बाद सुबह उठते हैं तो पेट में क्या होता है, एसिडिटी, ऑब्वियसली फास्टिंग हो जाता है। तो फास्टिंग में गरम डालने के बजाय अगर आप सब्जा डालेंगे दो चम्मच भीगा हुआ, उसके बाद एक गिलास पानी में लेमन डालेंगे, वो भी प्योर विटामिन सी है, और उस ड्रिंक को लेंगे और फिर अपना वॉक व्यायाम करेंगे, तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपका वेट भी लॉस होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे, और एक हफ्ते 10 दिन में मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरा मॉरल बूस्ट करती है, मुझे उत्साहित करती है कि मैं दोबारा से कोई नया खोज निकालूं, होममेड नुस्खे निकालूं और आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपके बाल स्किन तरोताजा रहे, हेल्दी रहे और आप खुद भी स्वस्थ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Positivity is not a mood. Positivity is a state of mind. तो बस ये रखिए कि यही रहना है, क्योंकि ये life बहुत precious है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।